तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं NCL सर्टिफिकेट बनाने के लिए। NCL सर्टिफिकेट क्या होता है? NCL जिसको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बोला जाता है, जो आपको इसमें OBC सर्टिफिकेट के माध्यम से जो काम करता है, जैसे कि आपको EBC हो गए या BC1 हो गए, इसके लिए आपको वर्क करता है NCL सर्टिफिकेट, जो बिहार लेवल पर भी होता है, एक गवर्नमेंट लेवल बिहार गवर्नमेंट लेवल पर और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर, यानी कि जैसे इंडिया लेवल पर। तो आप इसमें दो माध्यम से इसमें या नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं भी आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करके आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है आप वहाँ पर लगा कर इसको सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अपना कोई भी फॉर्म हो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस के साथ में आपको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से कैसे बनाया जाता है और आपको कितना देर में कंप्लीट हो जाएगा और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, इसमें मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले आपको जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना आप कंप्लीट करके रखेंगे। जैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट क्या क्या रखना होगा। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट बनाकर रखना है तो वो डॉक्यूमेंट में बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट क्या क्या रखना होगा। डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट रखना होगा, एक शपथ पत्र आता है जो फॉर्म 18B होता है, जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या तो आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बता दिया हूँ तो जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, तीसरा होता है निवास प्रमाण पत्र और चौथा होता है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र जिसको आवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट रखना है, साथ में एक आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पैन कार्ड कोई एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना है, इसमें फोटो रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट जितने भी आप डालेंगे, आपको जैसे शपथ प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट आपको डालना हो आपको 200 KB के अंतर्गत यानी कि 200 KB से कम होना चाहिए, सभी एक PDF मोड में होना चाहिए। सभी जो डॉक्यूमेंट जाति निवास आय या शपथ पत्र जो लगाएंगे आपको ये सब PDF होना चाहिए, आप PDF उसको अपलोड करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड के रूप में लगाएंगे या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी लगाएंगे वो JPG या PDF कोई भी डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके रखना है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखें, इसके बाद आपको अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं सारा प्रोसेस बताया हूं, तो चलिए अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट बता देता हूं। तो और इससे रिलेटेड अगर कोई भी अगर समस्या होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को यह शेयर कर दीजिए, या जितने भी साइबर कैफे वाले हैं सभी लोग एक बार वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पर इस वाले वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से इस वाले वेबसाइट पर आप चले आएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन है, जो यहाँ पर लॉगिन दिया गया है। आप यहाँ पर जब भी आप कोई भी सर्टिफिकेट जाति निवास आय या OBC या कोई भी सर्टिफिकेट अगर बनाएंगे तो यहाँ पर लॉगिन करके ही बनाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन के लिए आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो लॉगिन करने के लिए आपको ID पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ID पासवर्ड अगर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ID पासवर्ड बनाने का मैं एक कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा। मेरा यहाँ पर ID पासवर्ड पहले से बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं फिल कर चुका हूँ। यहाँ पर इस तरह जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस वाला कैप्चा को इस तरह से फिलअप कर लेंगे, इसके बाद लॉगिन का सेक्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। आप इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पर, और लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर मेन मेनू का यहाँ ऑप्शन है दिया गया है, जो यहाँ पर आपको एक अप्लाई फॉर सर्विस का सेक्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना होगा। आप कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई करना हो तो इसी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेज ढेर सारा ओपन हो जाएगा, जो भी सर्विस का लाभ आप उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर लाभ उठाने के लिए आपको इसी वाली सर्विस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सर्विस इस तरह से दिया गया है। आपको जो भी सर्विस का लाभ उठाना है यहाँ पर सर्च बॉक्स का सेक्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए आपको जाति बनाना हो तो यहाँ पर कास्ट लिखेंगे, आय बनाना हो तो इनकम लिखेंगे, और अगर रेसिडेंस यानी कि आवास बनाना हो तो रेसिडेंस लिखेंगे। मुझे यहाँ पर नॉन क्रिमिलियर बनाना है तो यहाँ पर मैं नॉन लिखूँगा, नॉन CR आप इस तरह से टाइप करेंगे। आप यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक मतलब सेक्शन प्राप्त हो जाएगा कि आपको क्या बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको दो तरीका है। पहला है आप दो माध्यम से बना सकते हैं, पहला है आपको बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार गवर्नमेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिहार लिखा हुआ है और यहाँ पर DM लेवल RO लेवल SDO लेवल होता है।
और दूसरा होता है यहाँ पर आपको इंडिया लेवल पर, यानी कि पूरे भारत देश के लेवल पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंडिया लेवल, तो इंडिया लेवल भी यहाँ पर DM लेवल, RO लेवल और SDO लेवल होता है। तो सबसे पहले आप अपना क्रीमी नन क्रीमी लेयर अगर सर्टिफिकेट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको RO लेवल बनाना होगा। तो आप जिस माध्यम से आप बनवाना चाहते हैं, जैसे इंडिया लेवल पर बनवाना चाहते हैं या बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से यानी कि अपने स्टेट लेवल पर बनाना चाहते हैं, तो उसके अनुसार से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा, तो पहला आपको RO लेवल ही बनाना होगा, चाहे आप इंडिया लेवल पर बनाते होंगे या तो आप अपने स्टेट लेवल पर बनाते होंगे। तो मैं यहाँ पर पहले स्टेट लेवल बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टेट लेवल का ज़रूरत है। तो यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट मैं स्टेट लेवल पर बनाऊँगा। तो स्टेट लेवल पर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस वाले सेकेंड वाले जो सेक्शन है, यहाँ पर RO लेवल लिखा हुआ है, इशू ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार एट RO लेवल, तो इसी वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। पेज आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको पूरा डिटेल समझ लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है? आपके पास होगा तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। आपको बेटर रहेगा नो सेलेक्ट करेंगे, आप नया बना रहे होंगे तो। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना लिंग सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अभिभावक का यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे श्री श्रीमान जो भी लगाते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है इंग्लिश में, आपने इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे, जैसे मेरा नाम रोशन कुमार, तो यहाँ पर रोशन इसके बाद स्पेस डालेंगे, इसके बाद कुमार डालेंगे और इसके बाद स्पेस डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जन्म तिथि डाल लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर आधार नंबर आपको अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। आधार नंबर डालने पर आपको ये हो जाता है कि आप जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको OTP से वेरीफाई करना होगा। तो अगर मेरे अनुसार अगर चाहेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर नहीं डालने बेहतर रहेगा, यहाँ पर कोई OTP वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आधार नंबर छोड़ देंगे, यहाँ पर नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर में यहाँ पर अस्थायी पता, आवासीय पता है और यहाँ पर अस्थायी पता है। तो यहाँ पर आपको पहला स्टेट सेलेक्ट करना हो, जिस भी स्टेट से होंगे, बिहार से हूँ मैं बिहार सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर ज़िला का नाम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अनुमंडल का नाम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रखंड या ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कुछ आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसके बाद क्या करना है। तो जैसे मैं यहाँ तक आपको बता दिया हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे यानी टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर होगा तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, जिसमें स्टार लगा हुआ होगा उसी में आपको ज़्यादा ज़रूरत रहता है डालने के लिए। तो यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे। इसके बाद होल्डिंग नंबर आप छोड़ देंगे, अगर होगा तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। मेरे पास नहीं है, छोड़ दूंगा। यहाँ पर सर्किल नंबर भी मेरे पास नहीं, छोड़ दूंगा। यहाँ पर पिन कोड नंबर आपको डालना जरूरी है, पिन कोड नंबर डाल लेंगे। इसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप ग्राम पंचायत से हैं या नगर परिषद से हैं, अपने अपने अनुसार सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो यहाँ पर ग्राम पंचायत वाला पर सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर दोनों एड्रेस, अगर टेम्प्रोरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर ऊपर जैसा ही है इस पर आपको टिक आउट लगाना होगा, यहाँ पर टिक लगा देना होगा। आप जैसे ही टिक लगाओगे तो आपको जो ये नीचे वाला जो एड्रेस है ना, ये वाला एड्रेस आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ये फिल करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको और आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ और क्या क्या इसमें प्रोसेस है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से समझेंगे, आपको होल्डिंग तक मैं बता दिया था। यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर रिलीजन है यानी कि धर्म, आप कौन सा धर्म से हैं तो यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम जो भी होंगे अपने अनुसार यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि वर्ग एंड कैटेगरी, यानी कैटेगरी आप कौन सा जाति से हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जाति यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको EBC OBC जो भी होगा आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जाति जो भी होगा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बिहार सूची में जाति का क्रमांक संख्या ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट ले लेगा। यहाँ पर उपजाति छोड़ देना है, यहाँ पर उपजाति यहाँ पर ऑटोमेटिक सब ले लेता है। इसके बाद पेशा ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप खेती करते हैं या स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाले में आप ध्यान देंगे, कैटेगरी यहाँ पर अत्यंत पिछड़े अनुसूची या अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे और आना है और इसके बाद यहाँ पर पेशा मैं बता दिया हूँ, पेशा में क्या डालना था, जैसे यहाँ पर मैं पेशा बता दिया था। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पर हस्बैंड नेम होगा तो आप छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर जिस किसी लेडी का बना रहे हो तो यहाँ पर हस्बैंड नेम डाल सकते हैं। इसके बाद अपने माता जी का नाम डालेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी होगा तो डाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर ज़रूर डाल लीजिएगा।
ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा, तो आपको सेंड कर दिया जाएगा क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको और नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा लोगों को समस्या होता होगा, तो यहाँ पर समस्या की कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है अभिभावक या पति या पिता का जो भी स्थिति होगा यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें कोई स्टार कहीं नहीं लगा, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको। अगर भरना चाहते हैं तो भरेंगे, आपको पूरा डिटेल देना होगा, और अगर नहीं भरना चाहते हैं तो इसको छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर नहीं भरूंगा, इसको छोड़ दूंगा। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद और नीचे आ जाएंगे, और नीचे आ जाएंगे, और नीचे आएंगे, पूरा यहाँ पर डिटेल भरना था। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल भरना होगा, जैसे कि यहाँ पर आय के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर नौकरी से आय कितना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अगर आय होता होगा नौकरी करते हो तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर 0-0 डालेंगे। व्यवसाय से आय कितना है, यहाँ पर अपना डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद पेंशन से आय कितना आता है, यहाँ पर होगा तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कृषि से आय जितना होगा उतना होगा तो डालेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। और टोटल वार्षिक आय कितना है, आप यहाँ पर डालना जरूरत है। यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र आपका बना होगा जितना का, जैसे 90,000, 1,20,000, जो जितना का भी आय प्रमाण पत्र आपका बना होगा ना, उसी आय प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर डालेंगे। जैसे आय प्रमाण पत्र आपका 90,000 का बना होगा तो यहाँ पर 90,000 टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या आप अपना जमीन का रसीद का भुगतान करते हैं, करते हैं तो यस लिख टाइप चूज करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर नो पर कर दूंगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना होगा साथ में अटैच, इतना तो मैं प्रोसेस बताएं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना होगा। डॉक्यूमेंट लगाने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म 18B लगाना होगा, शपथ पत्र। और इसके बाद यहाँ पर आपको आवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस यानी निवास जिसको बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म आय प्रमाण पत्र लगाएंगे। यहाँ पर जमीन का रसीद हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ देंगे, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है देना। लेकिन हाँ, ये चार को जो ऑप्शन है ये चारों आपको देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तब तक इतना आप डाल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर अप्लाई फॉर द ऑफिस, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एडिशनल है, यहाँ पर सिलेक्ट ले लेगा। इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप करना है। इसके बाद आपको नीचे एक सबमिट का ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस वाला प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल फिल करके शो कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक डिटेल बताया था आपको, जो वहाँ पर शपथ प्रमाण पत्र देना था, जो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये यहाँ पर जो ये शपथ प्रमाण पत्र देना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्म 18B, ये वाला फॉर्म कैसे भरना है इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको गूगल पर टाइप करना होगा इस तरह से, यहाँ पर मैं टाइप किया हूँ गूगल पर। इसके बाद बिहार सरकार सामान्य प्रशासनिक विभाग लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासनिक वाले PDF पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक PDF ये वाला डाउनलोड हो जाएगा। PDF डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर सेकेंड वाला जो पेज है ये वाला, इस वाला फॉर्म को भरना है, आपको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके भरना है। भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपका अपना नाम लिखना है। इसके बाद अपने यहाँ पर पिताजी का नाम लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाँव या शहर का नाम लिखें, अपना जो भी गाँव का नाम होगा, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, राज, और यहाँ पर जो जाति आपका होगा यहाँ पर जाति लिखेंगे, जो भी जाति आपका होगा अपने अनुसार यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ है हस्ताक्षर शपथकर्ता का, यानी कि जिनका आप बना रहे हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। तो इस वाला फॉर्म को प्रिंट करके आपको PDF में अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए आपको फिर से आना है इसी पर, और यहाँ पर मैं आपको डिटेल फिल कर देता हूँ पहले, और डिटेल फिल करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे अपलोड कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पर सारा डिटेल जो भी है मैंने यहाँ पर डिटेल फिल कर लिया हूँ, जो मैंने आपको डिटेल बताया हूँ उस डिटेल को मैं यहाँ पर फिल कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अभिभावक वाला छोड़ दिया हूँ, पूरा यहाँ पर अभिभावक का पूरा छोड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो आय में जो भी दिया हुआ था यहाँ पर आय में भर लिया हूँ, और जो सर्टिफिकेट मुझे लगाना था वो यहाँ पर टिकआउट लगा लिया हूँ। इसके बाद यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ आपको प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। आप प्रोसीड पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो भी अभी तक आपने डिटेल डाला है वो डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी भी जो भी डिटेल गलत हो तो यहाँ पर एडिट का सेक्शन है, एडिट पर जाकर अभी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि नेक्स्ट वाला प्रोसेस के लिए आपको अटैच NX4 पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ आगे का ओपन होगा, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करना है, तो इसमें आपको सारा डिटेल दिया गया है, और जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपको सभी PDF फाइल में आपको अपलोड करना होगा। तो पहले आपको यहाँ पर आवेदक का शपथ पत्र, जो मैंने आपको शपथ पत्र अभी बताया था, इसके बाद रेसिडेंस यानी कि निवास प्रमाण पत्र, इसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको शपथ पत्र,
इसके बाद यहाँ पर आवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास जिसको बोला जाता है, जिसको आवासीय कहते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र डालना है इसमें। इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगा लेना है, जो भी EBC BC1 जो भी होगा आपका जाति, इसको लगाना है। इसके बाद यहाँ आपको दस्तावेज में आपको यहाँ पर लगाना है एक आधार कार्ड, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर दस्तावेज जो यहाँ पर है, यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर सेलेक्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड जो भी आपको लगाना है, यहाँ पर आपको PDF या JPG कोई भी फॉर्मेट इसमें आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट का सेक्शन ये सब सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से सेलेक्ट करते जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा जो आपको अपलोड करना होगा। मैं अपना यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट था मैं यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ यानी कि अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद सेव एनेक्सवेयर पर क्लिक करेंगे। सेव एनेक्सवेयर पर क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबमिट का सेक्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपको रिसीविंग एक प्राप्त हो जाएगा, जो आपने अभी तक यहाँ पर OBC के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसेस किया है। तो इस रिसीविंग के माध्यम से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सभी का अगर कमेंट रहा तो मैं आपको डाउनलोड करने का भी मैं एक कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा, जैसा कि आपको यहाँ पर मैं अप्लाई करके यहाँ पर दिखा दिया हूँ कंप्लीट प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं कि डाउनलोड करने का एक प्रोसेस बताऊँ तो मैं आपको डाउनलोड करने का भी एक कम्प्लीट प्रोसेस बता दूंगा। यहाँ आपको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक यहाँ पर 10 से 15 दिन के अंदर वेरीफाई कर दिया जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तिथि यहाँ पर दिया जाता है, जो आप जिस दिन के अंदर आपको अप्लाई करना चाहते हैं। कार्य अवधि यहां पर लिखा हुआ है कि आपको 21 दिन के अंदर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मन में अगर किसी भी तरह का अभी भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर प्रिंट का ऑप्शन, यहां पर प्रिंट करके आप अपना PDF को सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद आपको यहां पर इस तरह से सेव हो जाएगा, जैसा कि आपको यहां पर सेव करके दिखा दिया हूं मैं। अगर मन में अभी भी अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।